उन रुट्स का हम लोग कहते हैं फूड स्टोरिंग रुट्स ये कोई कोई प्लांट्स में ही होता है और फूड जो होता है वो प्लांट्स के लीव्स में प्रिपेयर होता है और फिर वो स्टार्च की तरह स्टोर कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड क्लोरोफिल एंड लाइट इज इक्वल टू फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आते हैं कॉन्टैक्ट क्लो, क्लोरोफिल क्लो, और लाइट में मदद से फूड बनता है और उसके मदद से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और वाटर भी फूड बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट्स फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल और लाइट की मदद से सन लाइट की मदद से और फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और ये रिलीज होता है फूड बन जाता है लीव्स में और फिर ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होता है इस प्रोसेस में प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन देअर लीव्स तो स्टोमाटा ये क्या होता है अब ये एक प्लूरल फॉर्म है स्टोमा का एक एक स्टोमा एक टाइनी पार्टिकल होता है एक टाइनी होल होता है जो कि लीव्स पर प्रेजेंट होता है जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं ये लीव्स पर प्रेजेंट होता है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये लीव्स के अंडर साइड मतलब कि लीव्स के नीचे पाए जाते हैं ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू देयर स्टोमाटर अब ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अगर उनके लीव्स पर एक्सेस वाटर है मतलब कि ज्यादा वाटर होता है प्लांट्स में तो फिर वो रिलीज होता है वाटर वेपर के फॉर्म में सनलाइट की मदद से और उनके स्टोमेटो से उनके स्टोमैटो मतलब कि जो टाइनी होल्स होते हैं जिससे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं इस प्रोसेस का हम लोग ट्रांसपोरेसन कहते हैं फूड इज प्रिपेड इन लीव्स एंड स्टोर स्टार्च तो फूड लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है और स्टार्च की तरह स्टोर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्लोरोफिल और लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर किया जाता है और जिस और जिससे वाटर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है प्लांट्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स तो हो गया। का प्लांट्स जो है उनके लीव्स पर कुछ टाइनी नहीं हो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टोमाटा इनके मदद से प्लांट्स ब्रीथ करते हैं ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स गेट ग्रेड ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रू देयरस टोमाटा अब ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर प्लांट्स में मान ले के थे कि कुछ ज्यादा ही पानी हो गया तो अगर उससे रिड होना है मतलब कि वो पानी घटाना है तो फिर सनलाइट की मदद से वो रिलीज होता है वो वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है उनके टमाटर से लीव्स के टमाटर से तो आज हमने पढ़ा लीव्स के तीन मेन फंक्शंस के बारे में So we'll study more about leaves in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.